और छोटी बहन रुक्मणी। बड़ी बहन तारा ने छोटी बहन रुक्मणी को मोक्ष 65% दिया, कहा कि जाओ साइकिल का समय होने जा रहा है, बाजार से कुछ फलहार ले आओ। अभी कल ही गई सारी काशी, कौन कौन व्रत रखता है काशी का? कुछ लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, कुछ लोग मंगलवार के रखते हैं, कुछ लोग सोमवार के रखते हैं व्रत, कुछ लोग शुक्रवार के रखते हैं, और कुछ लोग अभी माँ के पावन नवरात्र गए हैं, कौन कौन व्रत रखता है नवरात्रों में? पूरे सच्चे दिल से, सच्चे दिल से कौन कौन व्रत रखते हैं? क्या खाते हैं व्रत में आप? मेरे ख्याल से जिस दिन नवरात्र का प्रारंभ होता है उससे दो दिन पहले ही अपने अपने पति के से हाथ में की लिस्ट पहुंच जाती है कि 2 किलो सिंघाड़े का आटा, 1 किलो कुट्टू का आटा, 2 किलो सेब, 2 दर्जन केले, 1 किलो चीकू, थोड़ा ड्राई फ्रूट ले आना, जब जब भूख लगी तब तक थोड़ा थोड़ा खा ले, थोड़ी चौलाई की पट्टी भी ले आना, थोड़ी बर्फ की नमकीन ले, थोड़े साबुदाने के पापड़ भी ले आना। बोले सच्चे? क्योंकि कहावत है ना कि व्रत नाम व्रतावन का, और भूख लगे तो हवन। बोले सच्चे? बड़ी बहन तारा ने छोटी बहन रुक्मणी को मोक्ष 65% दिया, कहने लगी बहन कि जाओ सायकाल का समय होने जा रहा है, बाजार से कुछ फलहार ले आओ ताकि हम तुम अपना अपना व्रत खोल सके। बड़ी बहन तारा से छोटी बहन रुक्मणी ने मोक्ष 65% लिया, चल पड़ी बाजार की ओर। अभी थोड़ी दूरी पर पहुंची, उसने क्या देखा, एक चौराहे पर कुछ वस्तु बिक रही थी। रुक्मणी ने दुकानदार से पूछ लिया, भैया क्या बेचता है? कहने लगा, श्री स्वाद कैसा होता है इसका? ऐसे ही उस वस्तु को एक ग्राहक सेवन कर रहे थे और बड़ा ही चटकार लेकर कहते कहते वाह श्री बड़ी स्वाद होती। बस स्वाद करने जिज्ञासा पर आया, ला भाई मेरे स्त्री की वस्तु दे दे। रुक्मणी ने अपने स्त्री की वस्तु लेकर खाई और वहीं पर पंच स्नान किया, हाथ मुख पांव धोए और बहन के हिस्से का फलहार लेकर वापस घर पहुंच गई। कहने लगी, बहन ये फलहार आपके हिस्से का? बड़ी बहन तारा ने पूछ लिया। कहने लगी, बहन परंतु मैंने दोनों के हिस्से के पैसे दिए थे, तुम्हारे हिस्से का फलहार कहां है इसमें से? हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, सारी बात सब कुछ कह के सच कह सुना, सब कुछ सच सच कह दिया। कहने लगी, बहन मेरा व्रत तो खंडित हो गया, मेरा व्रत खंडित हो गया, सारी बात सच सच कह सुनाई। बड़ी बहन तारा ने शराब दे दिया, कहा कि जा नीच, तूने स्वाद के मोहवश में आकर, तूने जिभ्या के वशीभूत होकर ये नीचो जैसा कार्य किया, तूने मांस खाया है ना, जा तू छिपकली की योनि में भटके ताकि सारी जिंदगी मांस ही खाती रहे। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आप किसी भी छिपकली के आगे दूध घी पनीर मक्खन कुछ भी रख दो, देखा किसी ने कुछ खाते हुए? क्या खाती छिपकली? मच्छर कीड़े पकौड़े सब, ये सब स्वाद विहीन जिब्बी, जिसकी जिब्या का कोई स्वाद नहीं, स्वाद विहीन जिब्या। हाथ जोड़कर खड़ी होकर कहने लगी, बहन जो आपने शराब दिया वो अमिट है, मिट नहीं सकता, इससे अगर कोई मुक्ति का उपाय बता दो तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। एक तपस्विनी ने शराब दिया और एक बड़ी बहन के नाते मुक्ति का उपाय बता दिया, कहा कि जाओ अज्ञातवास के दौरान 5 पांडव वनों में घूम रहे थे, सायंकाल का समय हुआ, 5 पांडव एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, रात्रि में 5 को एक स्वप्न आया कि हे 5 पांडवों
जिस स्थान के ऊपर आप लोग खोए हो उस स्थान के नीचे एक भगवती की प्रतिमा है, उस प्रतिमा को बाहर निकाल, उसकी स्थापना कर, एक सुंदर सा मंदिर बनवा दो मेरी माँ का। कहते हैं पंजा पंजा पांडव ने पवन बनाया, अर्जुन ने चमर ढुलाया। प्रातःकाल का समय हुआ, भोर हुई, पांचों पांडवों ने एक दूसरे को अपना अपना स्वप्न सुनाया, पांचों का एक ही स्वप्न। तत्काल उस स्थान की खुदाई करी, नीचे से मंदिर, चौखट, दरवाजे, मूर्ति, धन दाने सब कुछ पैदा हुआ। पांडवों ने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया, जिसमें कि सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनिगण को आमंत्रित किया, परंतु वह दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण देना भूल गए, जबकि महर्षि दुर्वासा ऋषि सभी ऋषियों में सबसे ज्यादा बड़े और सबसे ज्यादा क्रोधित। यज्ञ के दिन महर्षि दुर्वासा ऋषि अपने कुटिया के बाहर बैठे क्या देखते हैं कि सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनिगण एक लाइन से कतार से जा रहे हैं। एक ब्राह्मण को वहां लगा ली, पूछ लिया, भाई कहाँ जाते हो? ब्राह्मण बहुत चतुर, जाते पूछ लिया, महाराज क्या बात, इधर कहाँ जाते हो? कहने के महाराज आज बहुत हैरान हूं आज मैं कि महाराज, अरे आपको नहीं मालूम कि आज पांडवों ने बहुत बड़ा जगन नचाया, सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनिगण को आमंत्रित किया, क्या महाराज आपको नहीं बुलाया? महर्षि दुर्वासा ऋषि मन में विचार किया, सोचा कि आज पांडवों ने मुझसे छोटे छोटे साधु संत महात्मा बुलाए, परंतु मुझे यज्ञ में शामिल न करकर आज पांडवों ने मेरा अपमान कर दिया। मन में भाव आया कि मुझे इस अपमान का बदला लेना चाहिए। महर्षि दुर्वासा ऋषि ने तत्काल एक चील का, एक पक्षी का रूप धारण किया और अपने पांजे में एक मरे हुए सांप को फंसाकर उड़ चला उस ओर जहां पर के नीचे भक्तों के लिए खीर का प्रसाद तैयार हो रहा है। मन में भाव आ गया, इस मरे हुए सांप को खोले से उस खीर के कढ़ाई के भीतर छोड़ दूंगा, सारा प्रसाद विष हो जाएगा, जो खाएगा वह मर जाएगा और सारा दोष किस पर आएगा? पांडवों पर, उड़ रहे ऊपर। एक ऐसा समय तलाश रहे जब कोई भगतजन खीर के कढ़ाई के निकट, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जो भगत यहाँ पर चोरी करता है ना और सब तरफ देखता है, मुझे दाएं बाएं से मैं देख तो नहीं रहा। मन में भाव आया इस मरे हुए सांप को उस खीर की कढ़ाई के भीतर छोड़ना, लेकिन छोड़ू कब जब इसे कोई देख ना रहा। उधर उस समय वो घड़ी नजदीक आ गई, उधर जितने साधु संत महात्मा थे सभी चले गए यज्ञशाला की ओर, और इधर भंडार कक्ष पर कोई नहीं बचा। महर्षि दुर्वासा ऋषि ने नजर बचाकर उस मरे हुए सांप को होले से उस खीर के कढ़ाई के भीतर छोड़ दिया। किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं था वहां पर, और वो देखा तो एक जीव था और वो थी शापग्रस्त छिपकली। एक वृक्ष पर बैठी, पेड़ पर बैठी, सब कुछ देख रही नीचे, परंतु मुंह में जिभ्या नहीं है, जबान नहीं है कि बोलकर बता दे भक्तों, अरे सारा प्रसाद विष हो गया, कोई ना खाए इसको। मन में भाव आया कि बड़ी बहन ने मुक्ति का उपाय बताया था, परंतु इससे अच्छा मुक्ति का उपाय और, देखिए विडंबना देखिए, जहर छिपकली में भी है और जहर सांप में भी, लेकिन दोनों का खीर के कढ़ाई के भीतर छलांग लगाने का अपना अपना एक समय था। महर्षि दुर्वासा ऋषि ने एक ऐसा समय चुना जब उसे कोई देख न रहा, लेकिन रुक्मण और छिपकली एक ऐसा समय तलाश रही है, अरे कोई तो मुझे गिरते हुए देखे, तभी तो सबके प्राण बचेंगे।
उधर यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई, सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनिगण एक लाइन से कतार से बैठे ब्राह्मण भोज पाने के लिए। उधर उधर पांडवों ने बाल्टी उठाई, डोरी उठाई, पहली डोरी खीर के कढ़ाई के भीतर मारने लगे। ऊपर से नीचे छिपकली ने खीर के कढ़ाई के भीतर छलांग लगाकर तड़प तड़प कर वहीं अपने प्राण त्याग दिए। कह दो जय माता, एक बार और कह दो जय माता, एक बार दिल से कह दो। संगत बहुत जयकारे के भाई बहुत कम, अभी थोड़ी देर बाद देखना भी दिखा दूंगा अभी आपको, जब बनेगा ना देसी घी का हलवा और लोगों की नाक में जाएगी खुशबू, एक से एक लंबे से लंबे हाथ निकल जाएंगे। आप ये डोरना मुझे दे दियो प्रसाद, एक डोरना मुझे भी दियो प्रसाद। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे भाई साहब उसमें, जो एक डोरना प्रसाद का लेंगे पीछे छुपा लेंगे, भाई मुझे नहीं मिला प्रसाद दे दिए डोरना और। लेकिन ये नहीं पता कि जो डोरना पीछे छुपाया है ना वो पीछे से कुत्ता ले गया। बोली सच्चे साचे दरबार की, सच्चे साचे दरबार की। श्राप दे दिया कि जहां नीच आज तुझे पांडवों का कार्य खंडित कर दिया, तेरा नीच वो निवास। मन में भाव आया इस प्रसाद को अगर कोई जीव जंतु भी खाएगा तो वह भी मारा जाएगा। कहले भक्तों एक बड़ा सा गहरा गड्ढा खुदवा दो। भक्तों ने एक बड़ा सा गहरा गड्ढा खुदवाया और जैसे उस खीर की कढ़ाई को उस गड्ढे के अंदर डालने लगे तो उसमें से एक नहीं, उसमें से दो कंकाल निकले, दो जीव, एक छिपकली, एक सांप का कंकाल और दूसरा छिपकली, दो कंकाल निकले। मन में भाव आया, सभी साधु संत महात्मा अपने स्थान पर खड़े हुए और दो मिनट के लिए मेरी माँ का मेरी भगवती का ध्यान लगाया और हृदय में सारी बात आ गई। अरे छिपकली, ये छिपकली तो साधारण जीव नहीं है, ये छिपकली कोई साधारण जीव नहीं हो सकती, अरे तो कोई पुण्य आत्मा थी जिसने अपनी जान गंवाकर हम सबकी जान बचाना चाहा, परंतु तो हमने उल्टा ऐसे शराब दे दिया, बहुत अनर्थ हो गया। मन में भाव आया कि जो शराब दिया वो अमिट है, मिट नहीं सकता। कहते हैं मुख से निकली बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। कहते हैं गोली का घाव भर जाता है, गोली का घाव भर जाता है मगर बोली का घाव आजकल भरता। भाई साहब आजकल आदमी बड़ी से बड़ी गलती कर दे, एक छोटा सा शब्द बनाए सारी गलती को धो देता है। क्या जी वो सॉरी। जो शराब दिया वो अमिट है, झिक नहीं सकता। मन में भाव आया और इसे कोई वरदान भी देना चाहिए। कहा कि जाओ तेरा जन्म एक राजा के घर होगा और तेरा पालन पोषण नीच घराने में। कहा होगा जी पालन पोषण नीच घराने। समय बीतता गया, राजा स्पर्श हुए हैं, राजा स्पर्श के आंगन तारों की छाव में राज घराने में राज कन्या ने जन्म लिया। राज ज्योतिष कन्या की कुंडली बनाने लगे, कहने के महाराज बहुत ही भाग्यवान कन्या है, बड़े होकर आपके नाम को आपके तेज को आपके प्रताप को बढ़ाएगी। वही कन्या का नामकरण संस्कार किया गया, नाम रखा फिर वही तारा, क्योंकि तारों की छाव में आई। थोड़ा समय और बीता, अब राजा स्पर्श के आंगन एक और कन्या आ गई। अमावस की रात राजघराने में एक और कन्या आई, कुल से बिल्कुल विपरीत। राज ज्योतिष कन्या की कुंडली बनाने लगे, हाथ से पोथी कलम छूट कर नीचे गिर गए, राजा चकित रह गए। कहने राज ज्योतिष जी सब क्या है? कहने के महाराज ये कन्या कुल घातनी है, ये कन्या कुल घातनी है महाराज, ये बड़े होकर आपके नाम को दाग लगा कर जाएगी महाराज। महाराज ने पूछ लिया राज ज्योतिष इस कन्या का क्या करना चाहिए? कहने के महाराज करना क्या है, इस कन्या को मार दो तो ही अच्छा रहेगा। राजा ने कहा नहीं राज ज्योतिष, कन्या मारण पाप, मेरा कुल नरक में जाए, कन्या को मारना महापाप होता है।
कन्या को मारना, कन्या को मारना महापाप होता, कन्या को मारना महापाप होता। कितनी आसानी से कहते हैं हम लोग कन्या को मारना, लेकिन ऐसा पाप करता कौन है? कौन करता ऐसा पाप? कोई कोई अनपढ़ नहीं करता ऐसा पाप। ऐसा पाप आज हमारे तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग करते हैं। आज हमारे पास पैसा बहुत आ गया है, मेडिकल सुविधाएं सारी उपलब्ध है। पहले जांच करवा लेंगे, बेटा होगा तो रख लेंगे, और बेटी होगी तो, बेटी होगी तो। लेकिन जो लोग ऐसा कर्म करते हैं ना, उनको माँ को पूजने का, माँ को पूजने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं। कहते हैं ना कि माँ को पूजते हैं, माँ को पूजते हैं, बेटियों को मारते हैं माँ। झूठी भावना है तुझको पुकारते हैं माँ। प्यारी पुजारी साधना को जानते नहीं, भीगी पलकों से आरती उतारते हैं माँ। सच्चे सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सांचे दरबार की। लेकिन जिस घर बेटियां हैं ना, जिस घर बेटियां हैं वो लोग जानते हैं बेटियां कितनी अच्छी होती हैं। क्या करती हैं बेटियां? कि बेटी अंगना में चिड़िया से डोलती, हाथी डोलती, बेटी अपनों से सुख दुख खोलती, हाजी खोलती, बेटी ममता की मूर्ति है मानते नहीं, बेटी ममता की मूर्ति है मानते नहीं, सीता सती जैसे रूप को नकारते हैं माँ। माँ को पूजते हैं, बेटियों को मारते हैं माँ। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। लेकिन कहते हैं जिस प्रकार बहनों को भाइयों की आवश्यकता होती है ना, उसी प्रकार भाइयों को बहनों की आवश्यकता। इनकी जोड़ियां बिगाड़ने का हमें, इनकी जोड़ियां बिगाड़ने का हमें कोई हक नहीं। सच्चे सच्चे दरबार की, सच्चे के भाई बहनों की जोड़ी न बिगाड़िए, न बिगाड़िए, कोख खिलने से पहले न उजाड़िए, न उजाड़िए, जीना सीखिए दया से अभिमान से नहीं, जीना सीखिए दया से अभिमान से नहीं, आज बिगड़ेगी बात तो बनाओगे कहाँ। माँ को पूजते हैं, बेटियों को मारते हैं माँ। सच्चे सच्चे दरबार की। इन्हीं बेटियों को क्या कहते हैं? जानी जान, और सब कुछ जानती है। और इन्हीं बेटियों की नवदुर्गाओं में हम लोग आज, दुर्भाग्य हमारा ये है कि चार गलियां ढूंढकर भी हमें नौ कन्याएं नहीं मिलती हैं जीवने की। और इन्हीं बेटियों कहते हैं जानी जान, सब कुछ जानती हैं। और इन्हीं बेटियों को जान से, जान से आज यहाँ पर श्रेय करके जाएं। और देखिए मैं आपसे बता दूं, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, पंजाबी बनता हूँ। आज इस पावन स्थान पर बैठकर आपको वचन करता हूँ कि आज और आज से पहले, अगर आज से पहले किसी बहन से भूलवश अगर ये अपराध हुआ हो, वचन करता हूँ भगवती उसको माफ करेगी। लेकिन आज यहाँ पर श्रेय करके जाए कि आज और आज के बाद सात गलियां इधर और सात गलियां इधर ना ऐसा नीच काम करेंगे, ना कभी किसी को करने, कि
क्योंकि बेटी में ही सारे रूप समाए हैं। इन्हीं बेटों को कहते हैं जानी जान, और इन्हीं बेटों को जान से के जानी जान कोई हो जान से न मारिए न मारिए, मां से किया हुआ वादा न बिसारिए न बिसारिए। लाल जागते हैं रात मन जागते नहीं, लाल जागते हैं रात मन जागते नहीं। जाने कैसे लोग जिंदगी गुजारते हैं, मां मां को पूजते हैं सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, साचे दरबार की। राजा ने कहा राजोतिष कन्या मानव पाप मेरा कुंदर कम जाए, अरे कोई दूसरा उपाय बता दो। कहने के महाराज और उपाय है। कहने के महाराज जब ये कन्या बड़ी होगी तब आप इसका विवाह करेंगे सत्य वचन, तो क्यों ना महाराज इसका विवाह आज ही कर दे। कैसी पागलों वाली बातें करता है, नवजात शिशु है। कहने के महाराज बस यही फर्क है आपके और मेरे सोचने समझने का, बस आज आपको जैसा करते हैं कहता हूं ना आप वैसा कीजिए, कहो क्या चाहते हो। कहने के महाराज एक चंदन का बक्सा बनवा दो। चंदन का बक्सा बनवाया। कहने के महाराज इसमें मखमल की गद्दी बिछवा दो। मखमल की गद्दी बिछवाई। कहने के महाराज इसमें इस कन्या को लिटा दो। कन्या को लिटा दिया। कहने के महाराज इस कन्या के भाग्य में मृत्यु नहीं लिखी, अभी जीवन लिखा है। इस बक्से को बंद कर दो। बक्से को बंद किया। बक्से के ऊपर से भी महाराज ने सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात नीलम पन्ने सबको जड़ दिए। कहने के महाराज इस बक्से को जल प्रवाह कर दो। ये बक्सा जिसके भी हाथ लगेगा उसकी सात पुश्तें सात पीढ़ियां इतना धन खानी पाएगी। आप कन्या के मारने के पाप से बच जाएंगे और इससे मुक्ति भी मिल जाएगी। प्रातःकाल का मुहूर्त था। ब्राह्मण देव महाराज को नदी पर लेके आए। महाराज ने बहते जल में उस बक्से को प्रवाह कर दिया। बक्सा बहता गया। अभी थोड़ी दूरी पर क्या देखा, वही नदी किनारे बैठकर एक ब्राह्मण देवता माला फेर रहे थे। कहते हैं माला फेरत युग फिरा फिरा ना मन का फेर, कर का मन का छोड़ के फिर मन का फिर कैसे फिरेगा मन का। सामने से रत्नों का जहाज बहता हुआ जा रहा है। ब्राह्मण देवता के हाथ से माला छूट गई। जल के भीतर उतरे, हाथ आगे बढ़ा, बक्सा और आगे हो गया, हाथ नहीं आया। क्यों नहीं आया जी हाथ? थोड़ा बहरा हो जी, मैं कम तो नहीं। एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ, छोटा सा वाक्य आपको, शायद इस वाक्य को सुनकर आपको समझ आ जाए, शायद सुना भी नहीं होगा आपने कभी। प्रभु श्री राम कही जय श्री राम, कही जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु श्री राम माँ जानकी वीर लक्ष्मण, 14 वर्षों का वनवास हुआ, माँ जानकी का हरण हो गया। माँ जानकी खोज के लिए लंका में किसको भेजा जी? श्री हनुमान जी महाराज को। हनुमान जी महाराज पूरी लंका नगरी घूम ली, पूरी लंका नगरी हर कोने हर जगह से एक ही आवाज आती थी, जय लंकेश जय लंकेश। अंत में आए घूमते फिरते अशोक वाटिका में, वहां पर क्या देखा, एक छोटा सा सुंदर सा मंदिर बना हुआ था जिसके ऊपर राम नाम अंकित हुआ था। बाहर तुलसी का पौधा लगा था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णी न जाए, नव तुलसी का वृंद है देख हरष कपिराए। राम नाम अंकित हुआ था और भीतर से आवाज आ रही थी,
कहिए जय श्री राम, 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 जय श्री राम। किसका आंगन था जी? वो निरक्षर जी महाराज का। और बाहर कौन खड़ा है जी? अब हनुमान जी महाराज ने सोचा बोले लंका नगर में एक आवाज आती थी, जय लंकेश, जय लंकेश, ये मेरे प्रभु का नाम जपने वाला कौन सा लंका में पैदा हो गया, मैं भी तो उसके दर्शन कर लूं। हनुमान जी कदम वहीं के वहीं रुक गए। अब जब दो तीन बारी चार बारी हनुमान जी महाराज ने भी अपने इष्ट का प्रभु श्री राम का नाम लिया, अब ये बात अंदर विभीषण जी में लागू होती है, भाई लंका में तो मेरे अलावा कोई नहीं, ये दूसरा कौन सा पैदा हो गया, मैं भी देख लूं उसको कौन है। अंदर से विभीषण जी महाराज तैयार हुए, बाहर का दरवाजा खोला, जैसे ही बाहर का दरवाजा खोला तो बाहर कौन खड़ा है जी? हनुमान जी महाराज। यहाँ पर आकर गोस्वामी तुलसीदास जी एक सुंदर सा वर्णन करते हैं के चार मिले। क्या मिले जी? चार। अंदर से कौन आया और बाहर कौन खड़ा है? सबसे पहले चार क्या मिलते हैं जी? नहीं काका सब चन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मास, ये तो नाम खाइयो, इनमें मैया मिलन की आस। चार मिले 64 खिले। 64 क्या खिले जी? 32 दांत। उधर से हनुमान जी महाराज मुस्करा दिए, इधर से 20 रहे कर जोड़, एक दूसरे को प्रणाम किया। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और संतों से जब संत मिले पुलकित 7 करोड़। 7 करोड़ क्या है जी? ये तो आपने बहुत कम कर दिए। जो साइंस का स्टूडेंट होगा वो जानता होगा। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे। वैसे बता हकीकत बात तो ये कि हमारे जितने जागरण करने वाले हैं वो भी आप कहोगे 33 करोड़ देवी देवता, जबकि ये भी गलत है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है 33 कोटि देवी देवता। 7 करोड़ क्या है जी? हमारा साइंस कहता है एक आदमी के शरीर पर 3.5 करोड़ रोए होते हैं, रोए इसके रोम से। कहते हैं किसी को अपार खुशी मिल जाए तो रोम रोम खिल जाता है, पुलकित हो जाता है। बोली सच्चे बक्सा क्यों नहीं आया जी हाथ? क्योंकि कन्या का पालन पोषण कहाँ होना था? निज ग्रहण ब्राह्मण के बक्सा कैसे आ जाता? ब्राह्मण देवता ने वही प्रातःकाल के समय देखा, वही प्रातःकाल के समय नदी किनारे एक मेहतर झाड़ू लगा रहा था। उन्होंने मेहतर को आवाज लगाई, कहने लगे मेहतर वो देखो सामने जत्नों का जाय बहता हुआ जा रहा है, कि जाओ उस बक्से को बाहर निकाल लाओ, उसमें जो कुछ होगा आधा आधा बांट। और मेहतर जैसे जल के भीतर उतरा, हाथ आगे बढ़ाया, बक्सा जैसे मेहतर के हाथ का इंतजार कर रहा हो, तत्काल मेहतर के हाथ बक्से को बाहर निकाला है। ब्राह्मण लालची जरूर होता है, मन में लालच आ गया, पता नहीं बक्से के अंदर क्या है क्या नहीं, अंदर का कुछ नहीं दिखता, लेकिन ऊपर का सब दिखाई दे रहा है, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात नीलपने सब जड़े हुए हैं। कहा मेहतर इस बक्से का ऊपर का हिस्सा मेरा और भीतर जो कुछ है सो तेरा, भीतर से मुझे कोई लेना देना नहीं। और मेहतर ने जैसे उस बक्से को खोला, क्या देखा? एक छोटी सी कन्या अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूस रही थी। कह दो जय माता, एक बार और कह दो जय माता, एक बार दिल से कह दो जय माता। मेहतर ने उस कन्या को उठाया, अंग से भरा, बाद में निगाह गई धन के ऊपर, साथ में अपार धन भी रखा है। धन उठाने से पहले सोच लिया कि बेटी का भाग है, इसको खाना नहीं है, जब ये बेटी बड़ी होगी इसका विवाह किसी उच्च घराने में करेगी, बिरादरी अपनी घराना उच्च। भाई सच्चे ले जाकर कन्या को अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया। तुम कहती थी मेरी गोद सुनी है, ये कन्या हमें माँ ने दी है। वही कन्या का नामकरण संस्कार किया गया,
नाम रखा फिर वही रुक्मणि। समय बीतता गया, बेटी ना जाने कब बड़ी होती है, कुछ पता नहीं चलता। उधर महलों में तारा बड़ी हो गई और इधर मेहता के घर रुक्मणि बड़ी हो गई। राजा ने राज ज्योतिष वे सैन्य नाई को बुलाया और कहा कि जाओ हमारी कन्या के लिए कोई ऐसा योग्य वर खोज के लाओ जिसमें हमारी कन्या से एक गुण अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, चाहे गरीब से गरीब माँ बाप क्यों ना हो, हर माँ बाप की एक ऐसी इच्छा होती है कि हमारी कन्या के लिए कोई ऐसा योग्य वर मिल जाए जिसमें हमारी कन्या से एक गुण अधिक होना चाहिए, कम नहीं। राज ज्योतिष वे सैनन आई घूमते फिरते हरिपुर हजारा गांव पंजाब प्रांत राजा, किसी ने कथा सुनी या वो तारा रानी की कथा? आप मेरे पास हंसता है, तारा रानी के पति का नाम क्या था? कंफ्यूज कर दिया आपने, इधर से आवाज आई हरिश्चंद्र, इधर से आवाज आई हरिश्चंद्र, गलती आपकी नहीं है उसमें। जितने जागरण करने वाले हैं, मैंने कहा जो भगत चार भेंट गानी सीख गया वो जागरण पार्टी खोल के बैठ गया, घर घर जागरण पार्टी खुली हुई है। क्योंकि फ्री का चूरा है ना, जब से कुछ लगता नहीं है, रात में 10-12-15 हजार दोस्त इकट्ठे कर सोरे पैसे गिनते हैं घर। नाइन्टी जितना महंत है आपको ये बताएंगे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र तो वो है दानी, वो तारामती के पति का नाम राजा हरिश्चंद्र था और बेटे का नाम रोहतास, लेकिन ये तारा रानी है, भाई साहब ने बताया था वो सही बात है। राज ज्योतिष वे सैरा आई घूमते फिरते हरिपुर हजारे गांव पंजाब प्रांत राजा हरिचंद्र संग तारा का विवाह सुनिश्चित तय करके आ गए। कहते हैं फेरों के समय की कुछ शर्तें होती हैं, 7 वचन तारा ने भरे और 7 वचन राजा हरिचंद्र। ब्राह्मण देव ने तारा से कहा, कहने तारा आए, आज आपका पाणी ग्रह संस्कार किया जाना है, आज आप तारा से महारानी तारा होने जा रहे हैं, महाराज के बाएं में विराजमान हो जाए, आपका पाणी ग्रह संस्कार होने जा रहा है। क्योंकि सनातन धर्म में जब तक बेटिया का पाणी ग्रह संस्कार नहीं हो जाता था तब तक बेटी को बाएं में विराजमान होने का अधिकार नहीं होता था। आजकल तो सगाई के बाद कहते हैं जाओ बेटा घूम के आ जाओ। बोले सच्चे सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। सच्चे अभी हमारे में हरिद्वार से आया हूँ, हमारे यहाँ हरिद्वार में कंकल जाते कंकल कंकल जगदीशपुर कंकल बराबर में जगदीशपुर है। मैं कथा करने के लिए बैठने लगा, मैं लगभग 4:15-4:30 बजे का समय था, सोलह भैया मेरे साथ थे, मैंने 10-12 साल का बच्चा हुआ, मैंने उसको बोला मैंने बेटा प्यास लगी है एक गिलास पानी मिलेगा, पहले उसने मेरी बात सुनी नहीं, सुन के अनसुनी कर दी। मैंने बेटा आपसे बोल रहा हूँ एक गिलास पानी मिलेगा, कहने का पी लिया आपको? मैंने बेटे पानी पिलाना पुण्य होता है, एक गिलास पानी पिला दे, पहले सुना नहीं पी लिया आपको? मैंने बेटे पानी कहाँ? कहने का घड़े में। मैंने बेटे घड़ा कहाँ? कहने का घर में। मैंने बेटे घर कहाँ? कहने का तुझे नहीं पता? जगदीशपुर में। अच्छा मैंने बेटे जगदीशपुर कहाँ? कहने का कणखड़ में। अच्छा मैंने बेटे कणखड़ कहाँ? कहने का हरिद्वार में। अच्छा मैंने बेटे हरिद्वार कहाँ? कहने का उत्तराखंड में। अच्छा मैंने बेटे उत्तराखंड कहाँ? कहने लगा ये भारत में। अच्छा मैंने बेटे भारत कहाँ? कहने लगा ये एशिया में। और मैंने बेटे एशिया कहाँ? कहने लगा पानी में। और मैंने बेटे पानी कहाँ? कहने लगा घड़े में। जाके पी ले आपको, दोबारा ना पूछिए। अगर बच्चे खुश हैं तो माँ भी सच्चे सांचे दरबार की, सच्चे दरबार की सांचे। ये बात हकीकत है। अगर
माँ के सामने हंसते हुए, अगर माँ के सामने हंसते हुए जाओगे ना तो माँ फिर भी आराम से लगाएंगे, लेकिन अगर बाप के सामने हंसते जाओगे ना तो थप्पड़ ही पड़ेगा, अरे हंस क्यों रहा है। लेकिन माँ, मैंने कहा माँ माँ होगी। मैं एक बात ध्यान आ गई, बेचारी एक बूढ़ी माता जी थी, मैं देहरादून आरएमएस में काम करता था मैं, तो बेचारी मेरी ड्यूटी वहाँ थी घंटाघर पोस्ट ऑफिस देहरादून, बेचारी मेरे सामने सात रोज आती थी, पास में घर था उसका भानिया वाला में, रोज मेरे साथ बस में बैठ जाती थी, बुजुर्ग थी, बिल्कुल बुजुर्ग थी, किसी की वहीं काम करती थी। उस बस में हमने, हमारा एक समय था, हम उसी बस में पहुँच सकते हम 5:30 बजे, और बेचारे कंडक्टर भी वही, बस वाला भी वही, मैंने बस में बैठा, मैं कंडक्टर ने मुझसे बोला भैया टिकट, मैंने भाई हरिद्वार जाना है, टिकट ले लो। मैंने रहा जी, अम्मा से बोला अम्मा टिकट, कह रही बेटे मेरे पास तो पैसे ही ना है। अरे मैंने चल अम्मा के टिकट पैसे मैं दे देता हूँ यार, 7 रुपये सारे लगे, मैंने कहा 7 रुपये उसके मेरे से काट लिया। अब 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए, अम्मा का रोज तो सिस्टम बन गया, पैसे नहीं है। लेकिन 7वें दिन अम्मा ने क्या किया, एक पर्स था, बैग से था अम्मा ने टंगा हुआ, अम्मा ने उसमें मुठ्ठा भर के काजू निकाले, कंडक्टर को दे दिए, बच्चे पैसे ना आए मेरे पास काजू खा ले। अब अम्मा ने काजू उन्हें दिए, जैसे काजू दिए कंडक्टर को भी, मैं फिर फ्री में काजू मिल गए, जब काजू खाता रहा बैठ गए। अब जाए कंडक्टर, पतला सा कंडक्टर था, 6 महीने तक काजू खाता रहा, 6 महीने में कंडक्टर की सेहत बढ़ गई। बेचारी बूढ़ी अम्मा, मेरे को उसको देख के बहुत तरस आता रहा, बहुत तरस, बेचारी बूढ़ी अम्मा बूढ़ी वैसी की वैसी, बहुत दुरुस्ती गई थोड़ी सी। अब एक दिन कंडक्टर ने मेरे सामने पूछ लिया अम्मा से, अम्मा एक बात तो बताओ, तुम इतने काजू को तुम खुद खाती ना तो तुम्हारी कितनी सेहत बन जाती। कह रही बेटे कोशिश तो बहुत करती हूँ काजू खाने की मैं, लेकिन मुँह में दांत नहीं है एक भी, रात को चूस चूस के रख देती हूँ, सुबह तेरे बज रहती हूँ। बोली सच्चे, सच्चे दरबार की, अगर बच्चे खुश हैं माँ भी, माँ भी सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कंडक्टर का क्या, राज ज्योतिष कंडक्टर ने क्या सोचा, हरिपुर हजारा गांव पंजाब प्रांत राजा हरिचंद संतरा बायम विराजमान होने कैसे, मुझे विवाह मंजूर नहीं है। सोचो जिस बाप के दरवाजे पे बरात खड़ी हो बेटी विवाह से इनकार कर दी, उल्टा पूछ लिया कि तारा अभी आपने 7 वचन भरे हैं, अब आप विवाह से इनकार क्यों करती हो। कहने की महाराज अगर राजा हरिचंद अगर मुझको 1 वचन और दे देना तो ये आगे की कार्यवाही सब पूरी हो जाएगी। राजा हरिचंद ने कहा तारा क्या चाहते हो, सोच लो महाराज बहुत कठिन है मेरा वर जो मांगने जा रही हूँ मैं, तारा जानती है ना बोलो मैं राजा हूँ, मांगो क्या मांगते हो। कहने की महाराज मैं घर घर जाकर माँ के जागरण करती हूँ, मैं घर घर जाकर माँ के जागरण करती हूँ, विवाह के पश्चात घर में कैसी भी स्थिति आ जाए, घर में कुछ भी हो जाए, आप मुझे कभी भी आदेश नहीं करेंगे कि तारा आज जागरण पर नहीं जाना, जागरण पर मुझे कभी विवाह से, इस जागरण पंथ मेरा पंथ है, पंथ की रिवायत है, विवाह के पश्चात कभी मना नहीं करेंगे जागरण पर नहीं जाना, मुझे मंजूर है तारा, लेकिन अब 1 वचन मुझको भी चाहिए उससे। कहने की महाराज आप चाहे 10 वचन मांग, नहीं तारा मुझको भी 1 ही वचन चाहिए, जानती हो ना पत्नी का पहला कर्तव्य तो क्या होता है, हाँ महाराज आपकी सेवा। तो बस इस बात को पल्ले में गांठ बांध लो, क्यों, क्योंकि हम लोग पहले बेटी ब्याहते थे सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें सिखाई जाती, सिर्फ 3 चीज़ें सिखाई जाती थी कि बेटा पराए घर जाना है, पति की आज्ञा के बिना घर से बाहर नहीं जाना, अपने सास ससुर की सेवा करना, उनके आगे कभी ऊंचा ऊंचा नहीं बोलना, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ सिखाई जाती थी। आजकल तो सगे के बाद कहते हैं बेटा ये रहा 20,000 का मोबाइल, कोई छोटी सी बात होगी ना फोन कर देना, तेरे दोनों भाई तुझको लेने आ जाएंगे। बोली सच्चे सांचे दरबार की, तारा तुम जागरण पर जाओगी अवश्य जाओगी, परंतु पति धर्म निभाने के बाद मेरे सोने के बाद जागने पर जाओगी, और मेरे जागने से पहले मुझे मंजूर है। दोनों का विवाह हुआ, मेनका बेटी ना जाने कब बड़ी होती कुछ पता नहीं चलता, उधर मेहतर के घर रुक्मण बड़ी हो गई, इत्तेफाक से रुक्मण का विवाह भी हरिपुर हजारा गांव
पंजाब प्रांत उसी राजा के महल में काम करने वाले एक मेहतर के साथ हो गया। दोनों बहनें एक ही शहर एक ही घर। एक समय ऐसा आया रुक्मण का पति बीमार हो गया। कहा रुक्मण आज महलों में हम नहीं जाएंगे, तुम जाओगी। रुक्मण चल पड़ी महलों की ओर। रुक्मण ने महलों में प्रवेश किया। ऊपर जैसे ही पहुंची क्या देखा, माँ का सुंदर भवन सजा हुआ था। भगत जन बैठे भजन कीर्तन चल रहे थे। क्या गए माता जी तेरे नाम जे पुजारी सच्चे भक्तों। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। रुक्मण ने अपने कार्य टाइम वापस नीचे आ गई। लेकिन कब तक, एक रोज दो रोज तीन रोज चार रोज पांचवी रोज रुक्मण ने भक्तों से मिले। भक्तों अरे सुबह शाम दिन रात जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ आप लोग माँ 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 चिल्लाते हो, आखिरी माँ तुम्हें क्या देती है। भक्तों ने कहा रुक्मण ऐसा नहीं बोलते। अरे ये तो सचमुच इतनी दीन दयालु माँ है, इस माँ से सच्चे हृदय से जो मांगेगी वही मिलेगा। ये तो इतनी दीन दयालु माँ है, मांग ले जो मांगेगी। क्या मांगना चाहती है कुछ नहीं पता था, क्या मांगना क्या नहीं मांगना। वापस अपने घर आ गई और एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन बीते, क्या देखती है कि महलों में वहां पर बालक की किलकारियां गूंज रही है। अपनी सास माता के पास आई कि माँ वहां पर महलों में तो बालक की किलकारियां गूंज रही थी, माँ ये बालक कहाँ से मिलता है, कौन देता है ये बालक। अच्छा ऐसी बात है तो जा जिन भक्तों के पास तू गई थी ना वही भक्त बता देंगे तुझे कहाँ से मिलता है बालक, कैसे आता है। पहुँच गए भक्तों, अरे सुबह शाम दिन रात जब भी यहाँ पर आती हूँ आप लोग माँ 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 चिल्लाते हो, आखिर माँ तुम्हें क्या देती है। कहा कि रुक्मण कहा कि जाओ अंधन को आंख दे कोड़ियन को काया और बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया, निर्धन को माया, निर्धन को माया। माया तो रुक्मण के पास पहले बेशुमार थी, बेनती हाँ दौलत। क्या चाहिए था रुक्मण को, संतान। एक वर्ष बाद चारों के घर सुंदर बेटा हो गया। पांच वर्ष हो गए रुक्मण की गोद खाली। भक्तों से कहा भक्तों क्या ये माँ मुझे बेटा दे सकती है। हाँ कैसे, मांग ले इस माँ से, मुझे तो मांगने का तरीका ही नहीं पता, इस माँ से मांगते कैसे हैं। कहा कि रुक्मण कहा कि जाओ अपने पल्लू से सोने का सिक्का निकाल पर भक्तों के हाथ में रख दे और माँ से जो मन्नत मांग ली ना वो मांग ले। बोली सच्चे भाई भाई बता दूं आपसे एक और बात, और जितने जागरण करने वाले हैं पार्टी वाले हैं रात्रि से लेके आरती से पूर्व भोर तक चंद्रदशा यानी पांच पांच अरदासें परिवार वालों से मांग कर लिया करते हैं। लेकिन हमारे कुछ नियम होते हैं पंथ की रिवायत के अनुसार संपूर्ण रात्रि से लेके भोर तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ तीन बारी अरदास लेते हैं। तीन अरदास, पहली अरदास ज्योति प्रकाश की अरदास कराई थी भैया सोनू लखा जी ने। तत्पश्चात ये एक वो समय है, और देखिए मैंने आपसे पहले बोला मैंने कहा मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ पंजाबी बनता हूँ, ऐसे पावर स्थान पर बैठ कर आपका वचन करता हूँ जिस बहन कोई बेटा ना होता हो बालक ना होता हो आए, ये एक वो समय है इस माँ से सच्चे हृदय से जो मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन मांगना वही जिसको आप पूरा कर सको। देखिए मन्नत मांगना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। पहली अरदास एक बहुत जी की तरफ से होगी, इसमें नाम और पैसे नहीं बोले जाते, ये गुप्त अरदास होती है, गुप्त अरदास नाम और पैसे नहीं बोले जाते आए, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो चाहे रोजगार की किसी भी रोजगार के लिए हो चाहे वो पुत्र के लिए हो आए, ये वो समय इस माँ से सच्चे हृदय से जो मांगोगे वही मिलेगा। पहली अरदास एक परिवार में बहुत जी कराएंगे जोड़े से, तत्पश्चात आई हुई सात संकल्प में से सिर्फ एक मिनट का समय जो भी अरदास कराना चाहे माँ गोदेश्वरी पांचों में अरदास लेकर यहाँ आ जाए।